रुझान भी आपके पक्ष में आया है बीजेपी के, अभी शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती। जी बोले बिराकी जी, जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे ये रुझान जो है वो एग्जैक्टली हमारी तरफ आने नजर आएंगे आपको। और राजस्थान की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, इससे पहले भी वो दो बार मुख्यमंत्री राजस्थान में रहे, और हर बार इनके कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई है, 2003 में 56 सीटों पे, 2013 के अंदर 21 सीटों पर आकर सिमटी। यानी इनकी जो योजनाएं घोषणाएं बहुत सारी हुई लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसका फर्क आप लोगों को आज जिस तरह से फिगर्स में नजर आएगा वो आप देखिएगा, क्योंकि काम हुआ नहीं। और सिर्फ उटवल की बात अभी कह ही रहे थे, आपसी जो पार्टी के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर कपड़े फाड़ो जैसी बातें भी चुनाव में जब, और मध्य प्रदेश का भी पहला पोस्टल बैलेट का रुझान आपके पक्ष में आ रहा है, राखी जी मुबारक हो। थैंक यू। और बिल्कुल शुरुआती है और पहला है और पोस्टल है, कोई बात नहीं, लेकिन जब शुरुआत अच्छी हुई है तो निश्चित तौर पे जब आखिरी में अंत होएगा और रिजल्ट फाइनल आएंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नजर आएगा। तो जैसे सिर्फ उटवल हर जगह देखिए आप, हर स्टेट के अंदर इनके दो पार्टी बनी हुई है, पार्टी के अंदर जो डिविजन है उसको जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसीलिए जिस तरह की हालत राजस्थान में हुई, गारंटीज की बात भी कई बार की जाती है लेकिन गारंटीज की क्या हालत कर्नाटक में हुई, हिमाचल में हुई, ये भी लोगों ने देखा। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तीन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकार बनाएगी। ये जो राजस्थान के अंदर सीट लीड है किशोर जी, ये बांदीकुई की सीट है, ये दौसा के अंदर आती है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी जीती थी और इस बार यहाँ से बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। ये उधर दिया कुमारी भी विद्याधरनगढ़ से आगे चल जी, तो ये एक स्विंग सीट है जो कांग्रेस के खेमे से बीजेपी के खेमे जाती दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 2-1 चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 आगे। पोस्टल बैलेट है और पोस्टल बैलेट में अगर बीजेपी राजस्थान जैसी जगह पर आ गया है जहाँ पर ओपीएस का आश्वासन दिया हुआ था, तो ये बहुत सरप्राइज है। जी हाँ, राजस्थान में 3 अब पोस्टल बैलेट के शुरुआती आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 230 में से 3-2-1 बीजेपी के पक्ष में, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। राजस्थान के 4 आए हैं, 3 बीजेपी 1 कांग्रेस। तेलंगाना के 3 आए हैं, 2 बीआरएस 1 कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 5 आए हैं, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। 3-2 से बीजेपी आ गया छत्तीसगढ़ में, 3-2 से बीजेपी आ गया मध्य प्रदेश में, 3-1 से बीजेपी आगे है राजस्थान में, और 3-1 से बीआरएस आगे है कांग्रेस से तेलंगाना में। आप तो सारे स्टेट दे रहे थे, देखिए मैं हालांकि अभी बिल्कुल शुरुआती है। ये पोस्टल बैलेट के नतीजों से आप कुछ भी मत अंदाजा लगाइए। वो कह रहे हैं ना, ओपीएस आपने बोला था तो पोस्टल बैलेट सरकारी है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ करने की कोशिश की उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने आवाज, अभी से गड़बड़ बोल रहे हो आप, अभी तो खुले हैं। सुनिए, नहीं मेरे पास रिकॉर्ड है कि भी वहाँ 2 तारीख से पहले जो खोल दिए गए पोस्टल बैलेट, ये देखिए। अच्छा, जो पोस्ट बैलेट खोल दिया गया जो खबर आई थी, हाँ उसको लेकर आवाज उठाई थी दिग्विजय सिंह जी ने। और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि असली नतीजे देखो, मध्य प्रदेश में 7-5 हो गया, छत्तीसगढ़ में 4-3 हो गया, राजस्थान में 4-1 हो गया, आपके पक्ष में कुछ नहीं, तेलंगाना में भी 5-3 है। आप चिंता ना कीजिए, अभी जब ईवीएम खुलेंगी हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस चारों राज्यों में सरकार बना रही है। और एक सबूत, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे, मैं पहले से कह रहा हूँ, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मतलब 50-50 का राजस्थान में, और मैं सबसे बड़ा जो फैक्टर है आदिवासी फैक्टर है, अगर आप देखिएगा अगर वो चल गया तो तीनों जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पक्ष में दिखाई देगा, और तेलंगाना में हो सकता है फाइट हो, अगर हंग असेंबली हो सकती, उल्टा हो गया, छत्तीसगढ़ आगे हो गई कांग्रेस 6-3 हो गया। अभी ठीक है, अभी हमें समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन समय का इंतजार तो कर ही रहे हैं। नहीं, अति उत्साह में आ गए दुबे जी, इसलिए ऐसा बोल गए, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात चल रही थी। 9-6 देखिए, मध्य प्रदेश 9-6 बीजेपी 6 कांग्रेस, छत्तीसगढ़ 6 बीजेपी 3 कांग्रेस, बीजेपी 4 राजस्थान 1 कांग्रेस, तेलंगाना में 10-4 कांग्रेस प्लस आगे हो गए, 10 कांग्रेस 4 बीआरएस। वो आने दीजिए रिजल्ट, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलों में जो 5-स्टार कार्यालय बना लिए उनको रिजॉर्ट की जरूरत ही नहीं है। हम रिजल्ट अब में चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, क्या खबर इस वक्त? 11-5 से कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है तेलंगाना में। पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो चुके हैं और कहाँ पे कौन कौन सी सीट के नतीजे आने शुरू हुए हैं, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, मेरे साथ राजेश जी। राजेश जी, अगर आप बताएं वो कौन कौन सी सीट है जिनके नतीजे शुरू हुए, कौन सा स्टेट का आपको देखना है? आप मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। देखिए, अभी अभी आपको हम राजस्थान से बताएंगे। राजस्थान में विद्याधर नगर से आया है बीजेपी के हक में, दिया कुमारी यहाँ से आगे चल रही है। देन छत्तीसगढ़ से बस्तर से बलरामपुर से बमेतरा से, ये चार सीट ऐसी है, छत्तीसगढ़ की चार सीट ऐसी है जहाँ पर अभी रुझान आने शुरू हो गए। 3 सीट कांग्रेस की, 12 में से नहीं, ऐसे यहाँ पर जो अभी जो सीधा काउंटिंग सेंटर से जा रहा है उसमें 12
में छत्तीसगढ़ में 8 पे कांग्रेस आगे, 4 में बीजेपी आगे, उधर 10-7 मध्य प्रदेश में। देखिए बस्तर के इलाके के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी आगे है तो फिर ये अगर ट्रेंड आगे चलता है तो फिर कांग्रेस को ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अंदर लीड मिलेगी। बट अगेन अभी किशोर जी ये पोस्टल बैलेट है, अगर पोस्टल बैलेट में बीजेपी राजस्थान के अंदर आगे रहती है तो जो ओपीएस के ऊपर कांग्रेस बैंक कर रही थी वो पीछे चले जाएगा और बीजेपी क्लियर मेजोरिटी की तरफ। हालांकि 6-4